नथिंग। अब इसका हिंदी मतलब होता है कुछ नहीं। अब कुछ नहीं का मतलब ब्लैंक, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में भाई इसको बहुत कुछ या फिर आप बोल सकते हो कि सब कुछ करके दिखा दिया है एक इंसान ने। और भाई ये बताता है ना कि हाँ इंसान अगर चाहे तो कुछ नहीं को सब कुछ कर सकता है, नथिंग को एवरीथिंग कर सकता है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ नथिंग ब्रांड के बारे में। और भाई नथिंग अगर ब्रांड की बात करें तो आज से लगभग कुछ सालों पहले आपने नथिंग के बारे में सुना ही नहीं हो। और यहाँ पर अगर बात करें नथिंग के प्रोडक्ट के बारे में तो नथिंग की तरफ से आपको दो टेक प्रोडक्ट देखने को मिलते। तो नथिंग की तरफ से इनका जो पहला प्रोडक्ट था वो था नथिंग ईयर वन। अब ये एक ईयरबड था और भाई किसी भी कंपनी का एक ईयरबड और पहला ईयरबड पहला प्रोडक्ट 5 लाख से भी ज्यादा यूनिट अभी तक सेल हो चुके हैं। अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पर एक ईयरबड एक कंपनी कैसे इतना सारा सेल कर सकती है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है कार्ल पाई को। अब ये वन प्लस को लेकर आए थे और भाई वन प्लस जब इंडियन मार्केट के अंदर आया तो एक बहुत ही कमाल के ब्रांड के रूप में उभर कर आया था, जहां पर वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस जैसा यूआई मतलब क्लीन इंटरफेस, जहां पर आपको एड्स नहीं देखने को मिलते थे, मतलब एड्स के पैसे कंपनी नहीं कमा रही थी, बहुत ही कमाल के प्राइस के ऊपर बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स लेकर आने के लिए जाने गए थे। और भाई वन प्लस आज के टाइम पे काफी कमाल का ब्रांड है और अभी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। आप सभी को पता है एप्पल के बाद में अगर बात करें ना तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि वन प्लस सैमसंग इन सभी का नाम आ जाता है। लेकिन भाई कार्ल पाई अपने पहले प्रोडक्ट नथिंग ईयर वन के बाद में ठान चुके थे कि भाई इनका दूसरा प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट के अंदर या फिर ग्लोबली आना चाहिए। और भाई वो प्रोडक्ट है नथिंग फोन वन, जो कि इंडिया के अंदर मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन या फिर बोल सकते हो कि ग्लोबली इतना ज्यादा हाइप वाला स्मार्टफोन है कि अभी के टाइम पे अगर आप इसके नेगेटिविटी के बारे में बताते हो, इसकी ऑनेस्ट चीजें बताते हो तो आपको बस हेट ही मिलने वाला है। और गाइस ये चीजें ना सभी लोगों के साथ हो चुकी है। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से नथिंग यहां पर नथिंग फोन वन को लेकर इतना ज्यादा आगे आ गई और भाई अपने दो प्रोडक्ट से ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। सबसे पहले गाइस हम बात करना चाहेंगे कार्ल पाई के बारे में। तो इन्होंने ना जब नथिंग ईयर वन को लेकर आए थे तो उस टाइम ही क्लियर कर दिया था कि भाई यहां पर हम टेक इंडस्ट्रीज के अंदर जो बोरिंग टेक हो चुका है ना उसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करने वाले हैं और जितने भी प्रोडक्ट हम ऑलरेडी मार्केट के अंदर देख रहे हैं उनसे कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बात करें इनके ईयरबड के बारे में तो गाइस आपने देखा कि ट्रांसपेरेंट ईयरबड देखने को मिला, थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश इन्होंने की। साउंड क्वालिटी या फिर ओवरऑल जो फीचर्स मिले वो बहुत ही यूनिक थे और कमाल के थे। ऐसे में इनका ईयर वन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन की वजह से। देन इसी चीज को कार्ल पाई ने पकड़ा एंड नथिंग फोन वन के अंदर सेम यही कॉन्सेप्ट लेकर आ गए और भाई नथिंग फोन वन के साथ में आपको यूनिक ट्रांसपेरेंट वाली डिजाइन देखने को मिली। अब ट्रांसपेरेंट डिजाइन ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर काफी सारे ब्रांड लेकर आ चुके थे, मतलब यहां पर ट्रांसपेरेंट लाइक डिजाइन दिखा रहे थे, बट हाँ नथिंग ने थोड़ा सा अलग ट्राई किया एंड यहां पर आपको एलईडीज लगाकर दे दी 900 एलईडीज लाइट, जो कि काफी अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन का काम करता है। साथ में कुछ और चीजें ऐड कर दी, जैसे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो यहां पर एक रेड एलईडी ब्लिंक होती है जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है ट्रेडिशनल जो कैमरास हुआ करते थे जब आप रिकॉर्डिंग करते थे तो इस तरीके की रेड लाइट जला करती थी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूनिक फोन को कर दिए। इसके अलावा यहां पर एलईडीज की हेल्प से ना बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो ना तो जिस तरीके से जिस बेस पे सॉन्ग प्ले होगा कुछ उस तरीके से आपके बैक पैनल में एलईडीज ब्लिंक होने वाली है। मिड रेंज सेगमेंट में ग्लास बैक वाले फोन सभी लेकर आ रहे थे लेकिन कार्ल पाई ने दिमाग लगाया और इस फोन के साथ में थोड़ा सा यूनिक कर दिया, मतलब यहां पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया। तो वायरलेस चार्जिंग से होता क्या है, यहां पर डेफिनेटली आप अपने फोन को वायरलेस चीज चार्ज कर पाओगे, रिवर्स चार्जिंग से डेफिनेटली आप अपने ईयरबड या फिर बोल सकते हो कि नथिंग ईयर वन को चार्ज कर सकते हो। तो ये काफी सारे ऐसे फीचर्स ना जो कि नथिंग फोन को या फिर आप बोल सकते हो कि नथिंग के दूसरे प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए काफी थे और हाइप क्रिएट इन्हीं चीजों से हो गई। एंड थर्ड जो चीज थी ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि भाई इनका सॉफ्टवेयर, खुद का अपना सॉफ्टवेयर और खुद का अपना इकोसिस्टम, मतलब नथिंग ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई अपना खुद का इकोसिस्टम लेकर आ रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन और अलग अलग प्रोडक्ट से हम अपना एक इकोसिस्टम बना लेंगे। इसके अलावा यहां पर सिक्योरिटी अपडेट्स, ओएस अपडेट्स की भी प्रॉमिस कर दिए, मतलब यहां पर इनके फोन के साथ नथिंग फोन वन आप लेते हो ना तो 3 साल तक यहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेगा, यानी एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, 13, 14 और 15 का अपडेट आपको फ्यूचर में मिल जाएगा एंड 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। और जहां तक बात रही नथिंग यूआई को लेकर तो एक क्लीन यूआई है, अभी तक काफी ज्यादा स्टेबल यूआई है और भाई यहां पर ब्रांड कोई भी एड से पैसे नहीं कमा रही तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। तो यहां पर यूआई को लेकर भी ये फोन काफी ज्यादा दमदार हो गया। ऐसे में इस प्राइस के ऊपर जितने भी ब्रांड बल्कि यूआई लेकर आ रहे थे सेम स्पेसिफिकेशंस लेकर आ रहे थे, बोरिंग से डिजाइन लेकर आ रहे थे, रियलमी, वन प्लस, शाओमी, पोको, उन सभी के लिए एक बहुत ही तगड़ा सा जवाब कार्ल पाई ने निकाल कर दे दिया। तो भाई ये तो कुछ चीजें नहीं जिससे कंफर्म हो जाता है कि कार्ल पाई ने नथिंग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है और भाई जितना भी हाइप क्रिएट किया बिल्कुल कमाल का किया और अपने स्मार्टफोन को अपने प्रोडक्ट को बहुत ही तगड़ा पॉपुलर कर चुके हैं। लेकिन भाई इसके पीछे ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जो कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता रहा था, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी पहले ऐड कर देते हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पॉइंट हर एक कंपनी के या फिर हर एक प्रोडक्ट के होते हैं। तो भाई देखो इंडिया के अंदर ये इनका पहला स्मार्टफोन और दूसरा प्रोडक्ट था और एक अच्छा स्मार्टफोन डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ। लेकिन गाइस इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि अब तक सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस फोन की जो प्राइसिंग थी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 30,000 के करीब आ जाए और डेफिनेटली 30,000 के करीब ऑफर्स वगैरह और सभी चीजों को ऐड करने के बाद आपको मिल भी जाता है। लेकिन
गाइस यहां पर एक चीज ना कि आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नथिंग ने नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा हमें गलत लगा कि हाँ अगर चार्जर दे देते तो 30,000 के नीचे चार्जर के साथ में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। इसके बाद में इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, यहां पर चार्जर तो नहीं दिया, साथ में यहां पर जो इनके प्रोडक्ट थे बाकी जैसे टेम्पर्ड या फिर अगर बात करें फोन में केस नहीं दिए, केस को भी इन्होंने अलग से एडवर्टाइज करना शुरू किया और उनके जो कॉस्ट थे वो देखकर काफी सारे लोग के होश उड़ गए, मतलब 900 रुपए 1500 रुपए तक के। तो यहां पर डेफिनेटली इनके जो एसेसरीज थे उसके कॉस्ट देखकर काफी सारे लोग भड़क गए। एंड दूसरी चीज जो कि इनके फोन्स के साथ स्टार्टिंग में मतलब इंडिया के अंदर इनका पहला स्मार्टफोन था और ऐसे में बहुत सारे इशूज सामने निकल कर आए, जैसे कि गाइस यहां पर इनके फोन के डिस्प्ले के ऊपर काफी सारे इशूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्रीन टिंट वाली इशू देखने को मिल रही है। इसके अलावा भाई काफी सारे क्रिएटर जैसे एक इंग्लिश क्रिएटर है, काफी ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर है बीबॉम, जिनका नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा, उनके रिटेल यूनिट नथिंग फोन 1 के साथ में देख सकते हो क्या हुआ है, पंचोल कटआउट के साथ आपको डिस्प्ले डेड देखने को मिल रहा है, ये इशू देखने को मिला। काफी सारे और भी फोन के साथ में डिस्प्ले डेड इशू देखने को मिला है। इसके अलावा एक और पर्सन ने क्लेम किया कि भाई उनके नथिंग फोन 1 के कैमरा के आसपास ना मॉइस्चर देखने को मिल रहा है और ये नॉर्मली पॉकेट में रखे हुए थे फोन को, तो डेफिनेटली ये चीज देख सकते हो स्क्रीन पे आप, थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि फोन में IP53 की रेटिंग है, स्प्लैश प्रूफ है, डस्ट रेजिस्टेंस है, तो इतनी छोटी मोटी चीजें आपको नहीं देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन भाई ये वाली प्रॉब्लम अभी एक ही यूनिट के साथ में आई है, लेकिन डिस्प्ले वाली जो प्रॉब्लम है ना, ग्रीन टिंट इशू या फिर यहाँ पर डिस्प्ले डेड वाली इशू, वो 2 से 3 फोन के अंदर ऑलरेडी हमने देख रखा है। और ये जो ग्रीन टिंट इशू होता है ना, वो एमोलेड पैनल के साथ में डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, तो हो सकता है कुछ फोन के कुछ यूनिट के साथ में देखने को मिल रहा है, बाकी सभी फोन के साथ ना हो हम यही होप करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ना जो कि मुझे दिल से अच्छी नहीं लगी एज अ टेक क्रिएटर या फिर बोल सकते हो कि एज अ ह्यूमन, कि गाइस यहां पर जो काल पाई का बिहेवियर था ना, वो इस फोन के रिगार्डिंग इस फोन से रिलेटेड मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। अब भाई इतनी बड़ी आप एक कंपनी के ओनर हो और आपने फोन लॉन्च कर दिया एंड उसके बाद में थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी तो बनती है और होनी भी चाहिए गाइस, किसी भी चीज को लेकर सारी पॉजिटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव चीजें भी बताई जानी चाहिए, जो कि मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक किया है। आपको अच्छा लगे ना लगे वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सच्ची चीजें बताना। और गाइस ऐसे में बहुत सारे बड़े यूट्यूबर बड़े क्रिएटर भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे ट्विटर पर, तो ऐसे में कार्ल पाई ने काफी सारे ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया डायरेक्टली जो कि बहुत बड़े क्रिएटर थे और उन्होंने बस सच्ची ही बात बोली थी। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी खतरनाक लगी कि भाई इंडिया के अंदर इनका पहला प्रोडक्ट है और इनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर तो भाई ये नहीं चलने वाले, तो ये चीज आपको इंप्रूव करनी चाहिए अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो। एंड जो दूसरी चीज है वो है रिव्यू यूनिट से लेकर कि भाई यहां पर रिव्यू यूनिट जो चलो कंपनी का मन होता है किसको देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन इंडिया के अंदर थोड़ा सा भेदभाव किया गया कि जो साउथ इंडियन चैनल है उन पर रिव्यू यूनिट नहीं भेजे गए, जबकि उनके सब्सक्राइबर उनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा थे, मिलियंस में थे और उनको काफी सारे लोग देखने वाले थे। हालांकि उस चीज को प्रेजेंट करने का सर्जी का तरीका उतना अच्छा मुझे नहीं लगा दिल से, बट हाँ डेफिनेटली इंडिया तो इंडिया है, आपको रिव्यू यूनिट ऐसे देखकर नहीं देने चाहिए। लेकिन इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज अगर मेरी कंपनी है तो वो मेरी चॉइस होगी कि मैं किसको रिव्यू यूनिट दूं या फिर किसको रिव्यू यूनिट नहीं दूं, ये तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। तो बस यार कुछ यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे आप तक पहुंचाना था। अब गाइस यहां पर ना बहुत सारी चीजें अच्छी हैं नथिंग फोन 1 या फिर नथिंग ब्रांड के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मैंने लास्ट में नेगेटिव चीजें बताई वो मैं नेगेटिव खुद से नहीं बना रहा हूं गाइस, यहां पर निकल कर आ रही हैं जो कि मुझे आप तक पहुंचाना सही लगा। तो बस यार आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो, वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्यूचर में ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते एक नॉर्मल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।